What's up guys? Mixed Mind में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अरंजय सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं कुछ अनोखे फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा भारत देश दुनिया में सबसे अनोखा है। यहाँ विभिन्न जाति, धर्म और समुदाय के लोग रहते हैं दोस्तों, और यही बात भारत को दूसरे देशों से अलग बनाती है। और भी ऐसे कई अनकहे तथ्य हैं जो भारत के साथ जुड़े हुए हैं, और इनके बारे में पता होना एक भारतीय होने के नाते बहुत जरूरी है। तो चलिए साथियों, हम भारत के ऐसे ही कुछ अनोखे अद्भुत तथ्यों के बारे में जानते हैं। तैरता हुआ डाकघर। दोस्तों, भारत में लगभग 1.5 लाख से भी ज्यादा डाकघर मौजूद है, जिनमें एक डाकघर एक दिन में औसत 7,000 से ज्यादा डाके आती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा डाकघर भी मौजूद है जो पानी पर स्थित है, जिसका नामांकन 2011 में हुआ था। ये जम्मू के श्रीनगर में स्थित है, और दोस्तों ये अनोखा इसलिए भी है क्योंकि इसके अलावा भारत में और पूरी दुनिया में कोई भी दूसरा डाकघर पानी पर स्थित नहीं है। अंतरिक्ष से कुंभ मेले का दृश्य। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि वर्ष 2011 में अंतरिक्ष से पृथ्वी पर कुंभ मेले की गतिविधियां देखी गई, और ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि उस वक्त मेले में उपस्थित यात्रियों की संख्या लगभग 75 लाख के करीब थी। और दोस्तों, ये अपने आप में सामूहिक रूप से उपस्थित एक बहुत बड़ी जनसंख्या है, और ऐसा माना जाता है कि ऐसा पहली बार हुआ जब अंतरिक्ष से पृथ्वी पर हो रही कोई भी गतिविधि देखी गई। सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान। दोस्तों, 1893 में हिमाचल प्रदेश के चैल नामक स्थान पर क्रिकेट का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान बनाया गया। इसकी ऊंचाई समुद्र स्तर से लगभग 2500 मीटर है, और दोस्तों ये क्रिकेट मैदान चैल नामक सैनिक स्कूल का ही एक हिस्सा है। शैम्पू। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शैम्पू शब्द भारत का ही आविष्कारिक शब्द है। इस शब्द को संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ है चम्पू, यानी कि मसाज करना। पहले शैम्पू को व्यावसायिक तौर पर नहीं देखा जाता, बल्कि पहले के लोग इसे जड़ी बूटी के तौर पर इस्तेमाल करते थे। दोस्तों, ऐसा इसलिए था क्योंकि पहले लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे बाद में तकनीकी विकास हुआ, वैसे वैसे लोग इस पर और ज्यादा रिसर्च करने लगे, और बाद में ये व्यावसायिक रूप में ढल गया और आज इसे हम शैम्पू के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अगला है कबड्डी। कबड्डी के बारे में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ना जानता हो। कबड्डी हमारे देश का एक लोकप्रिय खेल है, लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अभी तक के हुए सारे कबड्डी के विश्व कप भारत के ही नाम है, चाहे वो महिला टीम हो या फिर पुरुष टीम। कोई भी देश भारत को कबड्डी में पराजित नहीं कर पाया है, और ये हम भारतीयों के लिए एक गर्व की बात है। दोस्तों, अगला है चांद पर पानी। क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले चांद पर पानी की खोज भारत ने ही की थी। भारत के अंतरिक्ष विभाग इसरो ने चंद्रयान 1 और चांद मिनरोलॉजी मैपर्स की मदद से ये पता लगाया कि चांद पर पानी के कण मौजूद हैं। सितंबर 2009 में ये पता लगाया कि चांद पर पानी मौजूद है, और इस बात का पता हमें सैटेलाइट से ली गई एक तस्वीर से चलता है, जिस तस्वीर में चांद पर पानी के कणों की उपस्थिति पाई गई। दोस्तों, अगला है स्विट्जरलैंड का विज्ञान दिवस। दोस्तों, स्विट्जरलैंड का विज्ञान दिवस डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, उन्हें सम्मानित करते हुए 26 मई को स्विट्जरलैंड में विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला है भारत के प्रथम राष्ट्रपति का कार्यकाल। दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे, उनका कार्यकाल प्रशंसा करने योग्य है। उनका कार्यकाल 12 वर्षों तक चला, और उन्होंने अपना कार्यकाल बखूबी निभाया। दोस्तों, सूत्रों से पता चलता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने अपने पूरे कार्यकाल के दौरान सिर्फ 50% ही वेतन लिया था, और अंतिम वर्ष में केवल 25%। भारत का पहला रॉकेट। दोस्तों, इस बात पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन यह सत्य है कि भारत का पहला रॉकेट तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित थंबा लॉन्चिंग स्टेशन तक साइकिल पर रखकर लाया गया था। दोस्तों, अगला तथ्य है भारत और इंग्लिश भाषा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अमेरिका के बाद भारत पहला ऐसा देश है जहां इंग्लिश सबसे ज्यादा बोली जाती है। दोस्तों,
भारत की आबादी के 125 लाख जनसंख्या इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं और ये भारत की जनसंख्या का 10% है। और दोस्तों ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में सबसे ज्यादा इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल करने वाले भारत के ही लोग होंगे। शाकाहारी दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे भारत देश में 20-40% जनसंख्या शाकाहारी है। दोस्तों कारण चाहे धार्मिक हो या फिर स्वेच्छा से, लेकिन ये बात सत्य है कि विश्व में भारत की जनसंख्या सबसे ज्यादा शाकाहारी खाने पर विश्वास रखती है। दोस्तों अब हमारा भारत देश यूरोपीय संघ को पछाड़कर सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश बन गया है। दोस्तों भारत ने 2014 में लगभग 133 मैट्रिक टन दूध का उत्पादन किया था, जो कि उस वर्ष पूरे विश्व में सबसे ज्यादा था। दोस्तों हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा चीनी यानी शक्कर उपयोग में ली जाती है और दोस्तों सबसे अच्छी चीनी की खेती भारत में ही होती है। ऐसा माना जाता है कि विदेश के लोगों ने चीनी की खेती करना भी भारत के ही किसानों से सीखा है। तो दोस्तों ये थी हमारे भारत के बारे में कुछ अनोखी जानकारी। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर जुड़े रहिए हमारे साथ।